नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। आज आपको मेरे चैनल पे एक नई चीज देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कान्हा नेशनल पार्क। जाते टाइम जो छोटे छोटे से गांव पड़ते हैं उससे हम आज आपको अवगत कराते हैं कि गांव का वातावरण कैसा है, छोटा छोटा सा गांव कैसा होता है। नेशनल पार्क तो सभी आप लोगों ने देखा है, लेकिन आज मैं आपको उस गांव से परिचय कराती हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कान्हा नेशनल पार्क के गांव को। हम जाते हैं, रास्ते में हमें हमारे हमारे घर से जो है कान्हा नेशनल पार्क 30 किलोमीटर पड़ता है, और उस 30 किलोमीटर में छोटे छोटे से बहुत अच्छे गाँव हैं। उस गांव से आपका परिचय कराते हैं, हम कैसे जाते हैं। तो चलिए रोड से ही हम जाएंगे और दिखाते हैं आपको गांव, और देखते रहिए आप मेरा वीडियो और कैसा है वो कान्हा का गांव, चलिए देखते हैं। इंक्वायरी के हिसाब से हाँ, तो वो तो बिल्कुल ऑन मेन रोड में जो दिखे उसमें कहाँ जाना है? मुन्ना भैया का कान्हा शादी गांव, कान्हा शादी हुई थी उसी में। इंटरनेशनल पार्क। जनरली लोग अंदर साइड पसंद करते हैं। थोड़ा ओपन जिप्सी में पूरा सैर कराते हैं कान्हा नेशनल पार्क का। काफी ठंडा है एकदम, बहुत ठंडक है। अच्छी कान्हा नेशनल पार्क का घना जंगल। आने का फास्ट लाइन चालू हो जाएगा से, अब कहाँ से कहाँ तक चलाएगा कि केवल लिंक। कान्हा नेशनल पार्क का जंगल है यार, यही कहीं तो देखे थे हम लोग बहुत सारा। ये भी रिसोर्ट है कोई बिलट, यही तो मुन्ना भैया की शादी का हुआ था। कान्हा का किष्किंधा रिसोर्ट है ये, अच्छी जगह है, खुली खुली और बहुत ही मनोरम स्थल है ये। देखिए ये मिट्टी का लालटेन है, बहुत सुंदर। जंगल में मंगल है, बहुत अच्छा रिसोर्ट है ये, चारों तरफ ओपन स्पेस। टिकट काउंटर के थोड़े से पहले से ही लेफ्ट लेना पड़ता है।
ये लालटेन जो है मिट्टी का कहाँ से लिए आप लोग? ये भैया जबलपुर से लेते हैं। बहुत अच्छा दिखा वो चिड़िया चहचहा रही है उसकी आवाज। ये बांस का पेड़ है, रिसोर्ट के पीछे का हिस्सा है रूम के।